हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम मेन्यू बार कैसे बना सकते हैं टीकिंटर की हेल्प से। सबसे पहले मेन्यू बार होता क्या है। फॉर एग्जांपल, मैंने वीएस कोड ओपन किया हुआ है और वीएस कोड में भी आप मेन्यू बार देख सकते हैं। ऊपर देखिए, यहाँ पे फाइल, एडिट, सेलेक्शन, व्यू, गो, ये क्या है, एक मेन्यू बार। और ऐसा मेन्यू बार हम टीकिंटर की हेल्प से कैसे बनाएंगे, आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक टीकिंटर में एक क्लास है, मेन्यू क्लास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा पहले, मेन्यू बार, जो कि मेरा ऑब्जेक्ट होगा। मेन्यू बार इक्वल्स टीके के अंदर एक क्लास है, मेन्यू क्लास। और मेन्यू क्लास, उसके मेन्यू क्लास के कंस्ट्रक्टर में हम पास करेंगे अपना विंडो ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे पहला काम आपको ये करना है। और दूसरी बात, जैसे हम अभी तक करते आए हैं, हम ग्रिड यूज़ करते आए हैं अपनी टीकिंटर प्रोग्रामिंग में, या फिर हम यूज़ करते हैं पैक। बट मेन्यू बार के केस में हम ग्रिड या पैक कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम विंडो डॉट कॉन्फ़िग, यहाँ पे हम पास करेंगे एक आर्गुमेंट मेन्यू इक्वल्स, जिसकी वैल्यू हम सेट कर देंगे अपने इस ऑब्जेक्ट के इक्वल। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ओके, तो देखते हैं अब। अभी मैं अगर इसको रन करूँगा तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमने अभी अपने मेन्यू बार में कोई चीज़ ऐड की ही नहीं। अब देखते हैं, अब अपने मेन्यू बार में हम कैसे आइटम्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले मेन्यू बार डॉट ऐड कमांड नाम का एक फंक्शन है मेरे पास। ऐड कमांड नाम का जो ये मेथड क्या करेगा, कमांड्स को ऐड करेगा, और ये एज अ आर्गुमेंट लेगा लेबल, मतलब मेरे जो मेन्यू होंगे, जो मेरे टैब्स होंगे, उनका लेबल क्या होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेव, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमांड। कमांड मतलब अगर मैं उसे क्लिक करूँगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, फंक। तो यहाँ पे मैं फटाफट से एक फंक नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। ओके, और अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक सेव आ चुका है। अब मैं सेव को मैंने चार बार क्लिक किया तो चार बार फंक कॉल प्रिंट हो गया मेरे पास, मतलब चार बार अगर मैं सेव को क्लिक करूँ तो चार बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है मेरे पास। ओके, तो ऐसी मैं और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। सेव हो गया, सेव एज, कॉपी, पेस्ट, ऐसे कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसकी फंक्शनैलिटी पे फोकस नहीं कर रहा, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बनाते कैसे हैं मेन्यू बार। ओके, तो ये हो गया मेरा मेन्यू बार, सिंपल सा। बट एक्चुअल में क्या होता है मेरे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वीएस कोड में भी ये जो मेरे पास मेन्यू बार होता है, ये एक मेरे पास कंप्लीट मेन्यू बार है। बट अगर मैं फाइल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक और ड्रॉप डाउन ओपन होगा, और ये क्या है, ये भी एक मेन्यू बार है। ओके, मतलब एक मेन्यू बार तो मेरा ये है, फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, गो। और जैसे मैं अगर फाइल पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास एक और मेन्यू बार, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बार मेरे पास ओपन होगा। तो ऐसा कैसे करेंगे, तो अभी वो सीखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ। ओके, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंपल मेन्यू बार। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बनाता हूँ ड्रॉप डाउन वाला मेन्यू बार। तो वो कैसे बनेगा देखिए, तो उसको बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो वही आपको करना क्या है, मेन्यू बार बनाना है एक। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मेन मेन्यू बार बनाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे मेरे पास फाइल, एडिट, सिलेक्शन, तो मैं क्या करूँगा, एक मेन मेन्यू बार बनाता हूँ। ठीक है, मेन अंडरस्कोर मेन्यू, तो वही काम टी के डॉट मेन्यू, और यहाँ पे मैं पास करूँगा विन। ओके, अब मुझे करना क्या है देखिए, अब मुझे इस मेन मेन्यू के अंदर एक ऐड करना है। क्या ऐड करना है मुझे इस मेन मेन्यू के अंदर, फाइल, मुझे फाइल ऐड करनी है। ठीक है, तो फाइल क्या होगा, फाइल भी एक
क्या होगा, फाइल भी एक मेन्यू बार होगा, ठीक है। तो कैसे होगा देखते हैं, मैं क्या करता हूँ एक फाइल मेन्यू क्रिएट करता हूँ, ओके। और यहाँ पे टी के डॉट मेन्यू क्लास, और यहाँ पे मेन्यू क्लास के अंदर मैं क्या पास करूँ भी, मेन मेन्यू, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इस फाइल मेन्यू को इस मेन मेन्यू के अंदर कैस्केड करना है, ठीक है। तो कैस्केड कैसे करेंगे देखते हैं, कैसे करेंगे। मैं क्या करूँगा, मेन मेन्यू डॉट कैस्केड, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो लेबल होगा इसका, लेबल होगा इसका फाइल, ओके। और यहाँ पे जो मेन्यू होगा इसका, मेन्यू क्या होगा, फाइल मेन्यू। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। और बट यहाँ पे भी एक और काम आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो मेन्यू बार है जहाँ पे विंडो डॉट कॉन्फ़िग, यहाँ पे भी मेन मेन्यू होगा, क्योंकि इससे पहले क्या था हमारा मेन मेन्यू, मेन्यू बार। यहाँ पे क्या क्या करूँगा मैं, मेन्यू क्या होगा हमारा, मेन मेन्यू, ओके। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। सॉरी, यहाँ पे फंक्शन का नाम है एड कैस्केड। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, देखिए मेरे पास फाइल आ चुका है, यहाँ पे फाइल आ चुका है मेरे पास। अब मुझे इस फाइल के अंदर कमांड्स ऐड करनी है, जो कि कैसे होंगे मेरे पास, ड्रॉप डाउन में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल मेन्यू में, फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेबल इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेबल चेक करता हूँ, न्यू फाइल, न्यू विंडो, न्यू फाइल, इसका कमांड फॉर एग्जांपल होगा फंक। तो ऐसे ही मेरे पास होगा न्यू विंडो फॉर एग्जांपल, ऐसे होगा फॉर एग्जांपल मेरे पास सेव फाइल, ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ, ओके। तो मेरे पास क्या, एक फाइल है, और फाइल के अंदर देखिए मेरे पास एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, ओके। तो ये मैंने आपको बताया कैसे आप ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। अभी क्या करते हैं हम, अब फाइल मेन्यू बनाया मैंने, अब फाइल मेन्यू के बाद मैं एक और मेन्यू बनाता हूँ, एडिट मेन्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और मेन्यू बनाता हूँ, एडिट मेन्यू, ठीक है। एडिट मेन्यू का भी वो काम होगा, टी के डॉट मेन्यू, इसमें पास करूँगा मैं विन, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्या किया, एक और मेन्यू बनाया, ठीक है, एडिट मेन्यू, ठीक है। अभी वही काम करना है मुझे फिर से, और अब क्या करते हैं, एक और मेन्यू बनाते हैं, एडिट मेन्यू। तो एडिट मेन्यू कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे पास मेन मेन्यू तो ऑलरेडी बना हुआ है, ओके। मेन मेन्यू के बाद मैंने बनाया था एक फाइल मेन्यू, और फाइल मेन्यू में मैंने कुछ कमांड सेट की, और फिर मैंने क्या किया, फाइल मेन्यू को कैस्केड किया किसके साथ, मेन मेन्यू के साथ। अब मुझे यहाँ पे एक एडिट मेन्यू बनाना है, तो एडिट मेन्यू कैसे बनेगा देखते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एडिट मेन्यू इक्वल्स टी के डॉट मेन्यू, और यहाँ पे किस पे ऐड करूँगा मैं, मेन मेन्यू पे, ओके। और मुझे अभी करना क्या होगा, यहाँ पे इस एडिट मेन्यू को भी कैस्केड करना पड़ेगा किसके साथ, मेन मेन्यू के साथ, ओके। तो अभी क्या, कैसे कैस्केड करूँगा मैं देखते हैं, मेन मेन्यू डॉट ऐड कैस्केड लेबल इक्वल्स एडिट मेन्यू इक्वल्स एडिट मेन्यू, ओके। और मैं अब क्या करता हूँ, इस एडिट मेन्यू पे कुछ कमांड्स को ऐड करता हूँ, एडिट मेन्यू डॉट ऐड अंडरस्कोर कमांड, और फॉर एग्जांपल लेबल अंडू रीडू, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं मेरे पास, अंडू तो अब इसको रन करता हूँ मैं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास फाइल मेन्यू ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, एडिट मेन्यू ड्रॉप डाउन आ रहा है। बट यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेरे पास लाइन बनी आ रही है, और अगर मैं इस लाइन पे क्लिक करूँगा तो ये क्या हो रहा है मेरे पास, ये मेरे पास टीयर ऑफ हो रहा है, ठीक है। टीयर ऑफ का मतलब ये मेरे पास बाहर निकल के आ रहा है। तो अभी क्या करना है मुझे, मैं चाहता हूँ ये टीयर ऑफ ना हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जहाँ पे मैंने मेन्यू क्रिएट की, एडिट मेन्यू या फाइल मेन्यू क्रिएट किया, यहाँ पे मैं टीयर ऑफ की वैल्यू
टीयर ऑफ की वैल्यू मैं सेट कर दूंगा 0। ओके अब देखते हैं क्या होगा। अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं फाइल में कोई टीयर ऑफ नहीं है। ओके ऐसे ही मैं एडिट में भी कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एडिट मेन्यू में भी मैं क्या करूँगा, टीयर ऑफ की वैल्यू मैं सेट कर दूंगा 0। तो ये क्या हो रहा है मेरे पास, अभी टीयर ऑफ नहीं हो रहा। और एक और बात, एक और चीज़ हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक और मेरे पास मेथड है ऐड सेपरेटर, वो क्या करता है देखिए। हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं जूम करूँ थोड़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू फाइल न्यू विंडो के बाद एक छोटी सी लाइन, एक लाइन आ रही है मेरे पास, उसके बाद ओपन रिसेंट के बाद भी एक लाइन आ रही है मेरे पास। तो ऐसी लाइन कैसे क्रिएट करें अभी उसकी बात करते हैं। तो ऐसी लाइन क्रिएट करने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रोग्राम में एक न्यू फाइल है, एक न्यू विंडो, न्यू विंडो के बाद मुझे करना है एक लाइन क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, एक बड़ा सिंपल सा फंक्शन है डॉट ऐड सेपरेटर, ऐड सेपरेटर नाम का फंक्शन कॉल करूँगा मैं। और अगर मैं इसको अब रन करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे न्यू फाइल न्यू विंडो उसके बाद एक लाइन आ गया है जो कि क्या है, एक सेपरेटर, उसके बाद है सेव फाइल। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि हम मेन्यू बार कैसे क्रिएट कर सकते हैं टीक इंटर को यूज़ करके।